संकी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इसके जैसा संकी आज तक नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, आने वाला टाइम अभी से तय हो चुका है। ईस्ट हो या वेस्ट, साउथ हो या नॉर्थ, हर तरफ मेगा स्टार सलमान खान का ही जलवा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा 2003 में तेरे नाम, 2009 में वांटेड और 2015 में बजरंगी भाईजान से मेगा स्टार सलमान खान ने सभी के दिलों पर राज किया था, वैसा ही कुछ ये फिर से करने वाले हैं अपनी आने वाली बैक टू बैक तीन फिल्मों के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसे सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, साउथ के डायरेक्टर सिकंदर फिल्म की शूटिंग सलमान खान स्टार्ट कर चुके हैं, तो वहीं साउथ के एक और डायरेक्टर विष्णु वर्धने के साथ वो द बुल कर रहे हैं। और आज दोस्तों, ईद के मौके पर सलमान खान की एक और बड़ी फिल्म को लेकर खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जवान फिल्म के डायरेक्टर यानी कि साउथ के एक और डायरेक्टर अटली कुमार के साथ सलमान खान बहुत बड़ी फिल्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज खबर आ रही है कि सलमान खान अटली कुमार के साथ जवान से भी बड़ी फिल्म करने वाले हैं, यानी कि तीन साउथ के डायरेक्टर सलमान खान को लेकर बैक टू बैक फिल्में बना रहे हैं। इससे ये तो कन्फर्म है कि आने वाला टाइम, आने वाले तीन साल सलमान खान का नाम ही हर तरफ छाने वाला है। जो क्रेज तेरे नाम में देखने को मिला था, बजरंगी भाईजान में देखने को मिला था, वांटेड में देखने को मिला था, वही क्रेज वही दौर फिर से आने वाला है सलमान खान के लिए। बड़ी फिल्म बताई जा रही है अटली कुमार के साथ, जिसकी स्टोरी बहुत पहले ही तैयार हो चुकी थी और रूमर्स की माने तो टाइटल सनकी हो सकता है, क्योंकि सनकी टाइटल जवान फिल्म के टाइम पर अटली कुमार ने रजिस्टर्ड करवा रखा था। हालांकि जवान फिल्म का नाम पहले सनकी रहने वाला था, लेकिन वो जवान फिल्म पर सूट नहीं हो रहा था, इसलिए सनकी टाइटल को हटाकर जवान कर दिया गया। मगर खबरें हैं कि सनकी टाइटल अटली कुमार को पसंद था, इसलिए रूमर्स है कि सलमान खान के साथ जो फिल्म करने वाले हैं वो उसका नाम सनकी रहने वाला है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहता है, सलमान खान के साथ अच्छे से डील साइन हो जाती है, तो इसी साल के एंड में फिल्म स्टार्ट हो जाएगी और 2025 के एंड में फिल्म आपको देखने को भी मिल सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड और आपको क्या लगता है सलमान खान और अटली कुमार की जोड़ी जवान फिल्म से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मूवी से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए माय टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ।